डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। और एक बार मैं मन बना लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पिछले कुछ वक्त से विपक्ष लगातार कास्ट पॉलिटिक्स का बड़ा जाल बुनकर बीजेपी को फंसाने की कोशिश में दिखा है। विपक्ष का पिछड़ों की भागीदारी और नेशनल लेवल पर जाति गणना जैसे मुद्दों पर खास जोर है। डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है, और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है, यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अगर आप सियासत पर नजर रखते हैं तो शायद आपने भी सोचा होगा कि विपक्ष के इस दांव पर अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई, किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या?
तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मतलब फिलहाल बीजेपी ने अपनी उसी रणनीति के संकेत दिए हैं जिसका फायदा उसे मोदी की अगुवाई में पहले भी मिल चुका है, यानी हिंदुत्व की बड़ी छतरी के नीचे जातियों को लाकर उनको अपने पाले में लाना। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कास्ट पॉलिटिक्स पर विपक्ष का दांव भारी पड़ता है या फिर बीजेपी की सफल रणनीति एक बार फिर उसके काम आती है।